तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं रियल मी 6 के बारे में। हाँ दोस्तों आज हम लोग बातें करेंगे रियल मी के नया फ़ोन रियल मी 6 के बारे में। तो ऐसे में इस फ़ोन को ले करके एक वीडियो हम पहले से बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ऐसे में कहोगे दोस्तों आप जो रियल मी 6 के बारे में और भी ज़्यादा अच्छा से जान पाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात रहा इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि भाई रियल मी 6 को क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में। मतलब रियल मी 6 में क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या खूबी आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में दोस्तों वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं। मतलब दोस्तों आप अगर कोई भी फ़ोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको पता होना जरूर है कि भाई फ़ोन में क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं। तो सेम टू सेम दोस्तों आप अगर रियल मी 6 को खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही काम के होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं कि भाई रियल मी 6 में क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं उसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं कि भाई रियल मी 6 को क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। मतलब रियल मी 6 में क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं उसके बारे में। दोस्तों देखिए रियल मी 6 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ देखने को मिलेगा। कमियाँ है लेकिन कुछ छोटे मोटे कमियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों कमियाँ जरूर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कमियाँ रहता है। तो इस फोन में भी थोड़ा बहुत कमियाँ है लेकिन दोस्तों खूबियाँ इस फोन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बातें कर लेते हैं फोन के कुछ खूबियाँ के बारे में। तो जहाँ तक बात रहा खूबियाँ की, तो सबसे पहले जो खूबियाँ फोन में आपको देखने को मिलेगा वो हो गया फोन का डिस्प्ले। हाँ दोस्तों फोन में आपको 6.5 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसमें आपको देखने को मिलता है 5 इंच। साथ में फोन का जो डिस्प्ले है इसमें आपको फुल HD+ के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और फोन का जो डिस्प्ले है दोस्तों एक IPS डिस्प्ले होने वाला है। साथ में फोन का डिस्प्ले में आपको जो 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन फोन का डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जहाँ तक बात रहा फोन का डिस्प्ले की, दोस्तों फोन का जो डिस्प्ले है ना काफी एक अच्छे डिस्प्ले होने वाला है, एक बेहतर डिस्प्ले होने वाला है। मतलब दोस्तों आपको जो दूसरा कोई भी 13,000 रुपया का फोन में 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा जो कि इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। मतलब इस फोन में आपको जो 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और फोन का प्राइस शुरू होता है 13,000 रुपया से। इतना कम प्राइस में दोस्तों इतना अच्छा डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। साथ में आपको जो फुल HD+ का रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा फोन का डिस्प्ले में। तो ओवरऑल जहां तक बात रहा फोन का डिस्प्ले की, दोस्तों बहुत एक अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले, एक बेहतर क्वालिटी का डिस्प्ले फोन में आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छे खासे डिस्प्ले फोन में प्रोवाइड करा जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं फोन का एक खूबिया है। दोस्तों दूसरा जो खूबिया फोन में आपको देखने को मिल जाएगा वो हो गया फोन का कैमरा। हाँ दोस्तों फोन का जो कैमरा है ना बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है। हाँ दोस्तों फोन के पीछे में आपको जो है 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है जिसका मेन कैमरा हो गया 64 मेगापिक्सल का, दूसरा हो गया 8 मेगापिक्सल का, बाद बाकी दोनों कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो ऐसे में जो आपका 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा इसमें आपको देखने को मिलता है f/1.8 कैपेचर जिसमें आपको देखने को मिलता है सैमसंग G11 कैमरा सेंसर। और जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होने वाला है जिसमें आपको देखने को मिलता है f/2.3 कैपेचर जिसका मदद से आप जो है 119 डिग्री तक वाइड एंगल फोटो ले पाएंगे। और जो 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो एक डेप्थ सेंसर होने वाला है जिसमें आपको देखने को मिलता है f/2.4 कैपेचर। और जो दूसरा 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा है दोस्तों वो एक माइक्रो लेंस होने वाला है जिसमें आपको देखने को मिलता है f/2.4 का एपर्चर। दोस्तों फोन का कैमरा काफी तगड़ा होने वाला है। मतलब फोन का कैमरा से आप जो दोस्तों 4K वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। साथ में फोन का कैमरा में आपको दोस्तों EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और साथ में फोन का कैमरा में आपको नाइट मोड ऐसे कई सारे मोड देखने को मिल जाएगा, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो और ऐसे में जहां तक बात रहा फोन का सेल्फी कैमरा की, तो फोन का जो सेल्फी कैमरा दोस्तों ये भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मतलब फोन में आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिसमें आपको देखने को मिलता है f/2.0 का एपर्चर। मतलब दोस्तों फोन का जो सेल्फी कैमरा है ना अभी जो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मतलब 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जा रहा है। और साथ में इस फोन का सेल्फी कैमरा में भी आपको जो दोस्तों EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब फोन का जो कैमरा सेटअप है ना बहुत ही अच्छे होने वाला है। आपको बैक कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों कैमरा जो है EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिसका मतलब दोस्तों आप जो बहुत ही मतलब अच्छे वाले वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। मतलब वीडियो में आपको जो शेकनेस नजर नहीं आएगा क्योंकि फोन का कैमरा में आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो ऐसे में आपको अगर एक अच्छे खासे कैमरा सेटअप वाले फोन चाहिए दोस्तों फोन का प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि फोन का जो कैमरा है ना बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही बेहतर होने वाला है जो कि कहीं ना कहीं फोन का एक खूबिया है। दोस्तों तीसरा जो खूबिया फोन में आपको देखने को मिल जाएगा वो हो गया फोन का परफॉर्मेंस, मतलब फोन का प्रोसेसर को लेकर के। हाँ दोस्तों फोन में आपको देखने को मिलता है MediaTek Helio G90T प्रोसेसर जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। साथ में आपको देखने को मिलता है माली G76 MP4 GPU। और जहां तक बात रहा अंतुतु स्कोर की, दोस्तों फोन का जो अंतुतु स्कोर है वो हो गया 2,70,000 के आसपास। मतलब फोन का जो परफॉर्मेंस है ना बहुत ही बेहतर होने वाला है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा ये वही प्रोसेसर है जो कि हम लोग को रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिल गया था। सेम टू सेम प्रोसेसर दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब फोन में आप जो है बहुत ही अच्छे से गेमिंग वगैरह कर पाएंगे,
पबजी को बड़ी आराम से खेल लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मतलब बढ़िया से एकदम पबजी को खेल लेंगे दोस्तों इस फोन में आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फोन का जो आपका प्रोसेसर है ना काफी तगड़ा होने वाला है, वो फोर्टनाइट में अगर आप बड़ी आराम से खेल पाएंगे, मतलब दोस्तों जो भी सारे हैवी ग्राफिक्स वाले गेम है ना, सारे के सारे गेम को इस फोन में आप जो है अच्छे खासे ग्राफिक्स के साथ अच्छे खासे फ्रेम रेट के साथ खेल पाएंगे, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और साथ में दोस्तों डेली लाइफ में जो सारे काम हम हमारे मोबाइल फोन से करते हैं, सारे का सारे काम इस फोन का प्रोसेसर बड़े आराम से आपको करके दे देगा। और साथ में आप अगर वीडियो फोटो एडिटिंग दोस्तों फोन से ही करना चाहते हैं तो इस फोन आप कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों फोन में जो प्रोसेसर है बहुत अच्छा दिया गया है, इस फोन से आप जो वीडियो फोटो भी एडिट कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस में लेकर के दोस्तों परफॉर्मेंस को लेकर के आपको बिल्कुल यह शिकायत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों फोन का जो प्रोसेसर है ना बहुत ही बेहतर होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों चौथा नंबर में जो खूबिया फोन में आपको देखने को मिल जाएगा वो हो गया फोन का बैटरी। हाँ दोस्तों फोन में आपको देखने को मिलता है 4300 mAh के बैटरी, साथ में आपको देखने को मिलता है USB Type-C, और फोन के बॉक्स के अंदर में ही आपको जो है दोस्तों 30W के एक सुपर फास्ट चार्जर प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और रियलमी ने कहता है कि भाई इस चार्जर के द्वारा इस फोन को आप जो है 1 घंटा में 0 to 100% चार्ज कर पाएंगे, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब दोस्तों फोन में आपको 4300 mAh के बैटरी देखने को मिल जा रहा है, मतलब फोन का जो बैटरी बैकअप है आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएगा, मतलब दिन भर जो बड़े आराम से चल जाएगा आपका फोन का बैटरी, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप गेम खेले चाहे वीडियो देखे, मतलब बड़े आराम से आपका फोन जो है दिन भर बैटरी बैकअप दे देगा। और बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाएगा दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आपको 30W के सुपर फास्ट चार्जर फोन के बॉक्स के अंदर दिया जा रहा है। मतलब दोस्तों आपको अगर एक बड़े बैटरी वाले फोन चाहिए, एक अच्छे चार्जर वाले फोन चाहिए, तो दोस्तों इस फोन का प्रोसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको फोन में जो है बड़े सा बैटरी देखने को मिल जा रहा है और सुपर फास्ट चार्जर फोन के बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि कहने का ही फोन का एक खूबिया है। दोस्तों अगर पांचवा खूबिया के बारे में बातें करें तो फोन में आपको जो और भी कई सारे खूबिया देखने को मिल जाता है, जैसे कि फोन का जो लुक है ना गजब का होने वाला है, मतलब दोस्तों फोन जो बहुत ही गुड लुकिंग होने वाला है, काफी अच्छा दिख रहा है फोन, जो कि कहने का ही फोन का एक खूबिया है। साथ में फोन में आपको सारे के सारे सेंसर देखने को मिल जाता है, मतलब इस फोन में आपको कोई भी सेंसर मिसिंग देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे सेंसर दोस्तों फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट, मतलब फोन में आप 2 SIM कार्ड और 1 SD कार्ड को एक साथ में बड़े आराम से लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट फोन में आपको देखने को मिल जाता है, और दोस्तों Wide 1 L1 और आपका कैमरा 2 MP का भी सपोर्ट फोन में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। साथ में फोन में आपको देखने को मिलता है Android 10। हाँ दोस्तों Android 10 जो फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब दोस्तों फोन एक अच्छे खासे फोन होने वाला है, एक बेहतर फोन होने वाला है, मतलब फोन के द्वारा रियलमी ने काफी अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो दोस्तों बातें कर लेते हैं फोन की कुछ कमियां के बारे में, मतलब फोन को क्यों नहीं खरीदना चाहिए, मतलब फोन में क्या क्या कमियां है उसके बारे में दोस्तों अभी हम लोग बातें करने वाले हैं। तो पहले आपको बता देना चाहूंगा कि भाई जो सारे कमियां फोन में आपको मौजूद है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई फोन में जो कमियां है ना उससे ज्यादा खूबियां फोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी है, सबसे पहले जो कमियां फोन में आपको देखने को मिल जाता है वो हो गया फोन का बिल्ड क्वालिटी, फोन का डिजाइन। मतलब दोस्तों फोन का प्राइस बढ़ाया गया है, फोन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, मतलब हम लोग जानते हैं कि जो Realme 3 या Realme 5 जो जब लॉन्च हुआ था तो उस फोन का प्राइस जो दोस्तों 10,000 रुपये के अंदर से शुरू होता था, लेकिन इस फोन का प्राइस शुरू होता है दोस्तों, मतलब Realme 6 का प्राइस शुरू होता है 13,000 रुपये से, मतलब 3,000 रुपया फोन का प्राइस बढ़ा है। तो ऐसे में भाई 3,000 रुपये जब फोन का प्राइस बढ़ाया गया है तो इस हिसाब से जो है बिल्ड क्वालिटी है मिल नहीं रहा है, मतलब 3,000 रुपये फोन का प्राइस बढ़ाया गया है तो भाई जो है यह ग्लास बॉडी जरूर मिलना चाहिए था, तो जो कि आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब फोन में आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक बॉडी डिजाइन, पॉलीकार्बोनेट बॉडी फोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई जब फोन का प्राइस बढ़ाया गया है तो यह जो है ग्लास बॉडी भी देना चाहिए था, जो कि फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। मतलब दोस्तों प्लास्टिक बॉडी फोन में क्या होता है कि फोन का जो कलर है ना, फोन का जो चमक है ना, वो जो है दिन दिन उदास होने लगता है, मतलब जब आप नया में फोन को खरीद के लाएंगे तो फोन पूरा चमकदार रहेगा, पूरा एकदम अच्छा दिखेगा फोन, लेकिन दोस्तों समय के साथ दिन दिन जो है फोन का जो चमक है ना, फोन का जो कलर है ना, दिन दिन उदास होने लगता है। लेकिन ग्लास बॉडी फोन के साथ ऐसा नहीं होता है, ग्लास बॉडी फोन में क्या होता है कि दोस्तों जब आप फोन को खरीद के लाएंगे उस समय फोन जैसे दिखेगा, 2 साल बाद भी फोन जो है वैसे ही दिखेगा, लेकिन दोस्तों प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है कि मतलब 6 महीना बाद जगह फोन जो है थोड़ा सा उदास हो जाता है फोन का कलर, फोन जो थोड़ा पुराना लगने लगता है। और साथ में प्लास्टिक बॉडी फोन को आप अगर बिना कवर के यूज कर देंगे तो क्या होगा कि दोस्तों फोन का बैक साइड में पक्का स्क्रैच आ जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कैसे ना कैसे दोस्तों स्क्रैच पक्का आएगा फोन का बैक साइड में अगर बिना कवर के आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भाई फोन का बॉडी जो है प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये जो कहने का फोन का कमियां है, मतलब दोस्तों फोन का प्राइस जब बढ़ाया गया है तो फोन का बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए था, यह जो ग्लास मिलना चाहिए था, जो कि आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं फोन का एक कमी आप कह सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो कमियां फोन में आपको देखने को मिल जाता है वो हो गया फोन का प्राइस। दोस्तों फोन का प्राइस जो है, मतलब हम लोग जानते हैं कि भाई इस बार जो फोन का प्राइस 3,000 रुपया बढ़ा दिया गया है, मतलब हम लोग जानते हैं कि रियलमी का जो 3 था, रियलमी 5 था, वो दोस्तों 10,000 रुपये के अंदर में लॉन्च हुआ था, तो हम लोग सोचते थे कि भाई जो रियलमी 6 है ये भी जो है 10,000 रुपये के अंदर से लॉन्च होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, फोन का प्राइस बढ़ा दिया गया है, फोन का प्राइस 3,000 रुपये बढ़ गया है। लेकिन हाँ ये भी बस सच है कि आपसे 3,000 रुपया लिया जा रहा है ज़्यादा, लेकिन उस हिसाब से फोन में आपको जो अच्छे अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड करा जा रहा है। मतलब भाई देखिए, डिस्प्ले पहले हम लोग को जो HD+ का मिलता था, लेकिन आजकल जो Full HD+ को मिलने लगा, Realme 6 में आपको Full HD+ का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, प्रोसेसर आपको जबरदस्त देखने को मिल जा रहा है। हाँ मतलब 3,000 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है,
लेकिन भाई फोन में आपको उस हिसाब से जो है अच्छे अच्छे फीचर भी ऑफर करा जा रहा है। लेकिन भाई हाँ, फोन का प्राइस 3,000 रुपया बढ़ गया है, तो ये जो है कहीं ना कहीं फोन का एक मतलब आप नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं कि भाई फोन का प्राइस थोड़ा सा 3,000 रुपया बढ़ गया है। आपको इस फोन को खरीदने के लिए 3,000 रुपया और भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, फीचर्स आपको मिल जा रहा है उस हिसाब से, जितना पैसा आपसे लिया जा रहा है उस हिसाब से जो है आपको फीचर्स भी दिया जा रहा है, ये दोस्तों अलग बात है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से इसको जो है कमियाँ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाई 3,000 रुपया आपसे लिया जा रहा है ज़्यादा, लेकिन उस हिसाब से जो अच्छे फीचर्स भी यह दिया जा रहा है। आपको फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले मिल रहा है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जा रहा है, साथ में प्रोसेसर आपको अच्छा मिल रहा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से 3,000 रुपये जो एक्स्ट्रा से लिया जा रहा है उस हिसाब से आपको दोस्तों अच्छे से फीचर्स भी फोन में प्रोवाइड करा जा रहा है। तो ऐसे में इसको जो है कमियाँ मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई बहुत कोई बोलेंगे कि भाई हाँ 3,000 रुपया बढ़ गया फोन का दाम, तो ये दोस्तों आपके ऊपर है। आप इसको कमियां भी कह सकते हैं, साथ में खूबियां भी कह सकते हैं, सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये सारे कमियां और ये सारी खूबियां जो आपको रियलमी 6 में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज़ आप जो है समझ चुके होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपका मन में कोई भी सवाल इस फोन को लेकर के, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल लेकर जवाब देने की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी है ये आपका अच्छा लगा हो, ये जो वीडियो है ये आपका अच्छा लगा हो। ऐसे में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले का, तक जो जानकारी है इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना मैं आपके लिए लाते रहता हूं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।